अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, स्टार गोट फार्म में आपका स्वागत है। आज फिर एक न्यू वीडियो के साथ मैं आपके सामने हाजिर हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह रोज़ की वीडियो में देख के मुझे काफ़ी खुशी होती है कि आप लोग मुझे इतना पसंद करने लगे हैं ये लॉकडाउन के पीरियड में, और मुझे ऐसा लगता है मैं आप लोगों से बहुत ज़्यादा क्लोज होते जा रहा हूँ। आप लोगों का प्यार, आपके सवाल, आपको जवाब देना, ये छोटी छोटी चीज़ें इतनी ज़्यादा हो रही है कि मुझे लॉकडाउन का जो टाइम है, अल्लाह के फजल करम से आप मेरा यकीन माने, ये टाइम मुझे मालूम नहीं पड़ रहा है। उसका रीज़न है कि मुझे वीडियो बनाने की एक ऐसा होता है कि मुझे वीडियो बनाना है आप लोगों के लिए, एक पूरा दिन वो दिमाग में रहता है, और दूसरी चीज़ आप लोगों को रिप्लाई देने में, रिप्लाई देना, आप लोगों से बातें होती है, काफ़ी लोग कॉल्स करते हैं, तो पूरा दिन ऐसा गुजर जाता है अल्लाह के फजल करम से। और रमज़ान है, रमज़ान भी अल्लाह के फजल करम से इसी तरह मेरा गुजर रहा है। तो मैं आप लोगों का शुक्रिया भी अदा कर रहा हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग मुझे इतना प्यार दे रहे हैं और मेरी बातों को इतना समझ रहे हैं, और मेरी बातों के ऊपर आपका रिप्लाई भी अच्छा आ रहा है और उसके ऊपर अमल भी कर रहे हैं। बहरहाल, जैसे आपने अभी मेरा उनवान जो हेडिंग है वो आपने देखे हैं कि गोट फार्म बंद होने का एक बहुत बड़ा रीज़न क्या होता है, यानी वजह। तो वजह में मैं आपको बताऊं, हमारे जो ज़्यादातर फार्म बंद होने का सबसे बड़ी वजह, इसके अंदर मैंने देखा हूं जहाँ तक का, लेबर। आपको अगर अच्छा मिला, लेबर के ऊपर आप डिपेंड कर रहे। मैं लेबर के मुतालिक आपको एक चीज़ बताता हूँ। जब मैंने मेरा गोट फार्म स्टार्ट किया, आई थिंक मैं कारोबार काफ़ी टाइम से कर रहा हूँ, मेरे पास पहले गोडाउन था, उससे पहले एसटीडी थी, फिर मैंने रे रोड में एक जगह लेके वहाँ पे स्ट्रक्चर पे मैंने छोटा सी गोट फार्म स्टार्ट किया था। आई थिंक 3000 स्क्वायर फीट की जगह थी। बॉम्बे में स्टार्ट करने का मेरा सबसे बड़ा रीज़न ये था कि मैं गोट फार्म मेरे घर के करीब रहे। ज़्यादातर लोग गोट फार्म 50-60 किलोमीटर 100 किलोमीटर दूर लेते हैं, परचेज करते हैं, और खुद रहते हैं सिटी में, तो वो सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है। वो पूरा डिपेंड होते हैं अपने लेबर के ऊपर। जो लेबर होता है आपका फील वक्त, तो आपको उसे उसके ऊपर इतना भरोसा होता है कि वो जो चीज़ आपको बोलता है आपको उसको हर चीज़ मानना पड़ता है, क्योंकि उसे फार्म को वही संभालता है। तो मैं जब रे रोड पे था तो मैंने सिटी में बनाने का मेरा प्रोग्राम, काफ़ी लोगों ने मुझे कहा कि आप सिटी में बना रहे हो, वो सिटी है, साउथ बॉम्बे है, काफ़ी लोग ताज्जुब भी करते रहे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने वहाँ पर 2 साल पूरा फार्म चलाया। लेकिन कुछ वजह के कारण मुझे वहाँ से खाली करना पड़ा। रेंट बहुत ज़्यादा, यानी जो मैं 25,000 दे रहा था डायरेक्ट वो 60,000 पे आ गया था, तो मुझे ऐसा लगा कि अब मुझे यहाँ से कहीं शिफ्ट होना पड़ेगा। तो हम लोग ने मुमरा को डिसाइड करे, मुमरा आए यहाँ पे, और अल्लाह के फजल करम से यहाँ मुझे ये स्ट्रक्चर रेडी मिला, खाली अंदर मुझे बाड़े बनाने पड़े। तो अल्लाह के फजल करम से हम लोग ने ये स्ट्रक्चर पर आके नया गोट फार्म स्टार्ट करे। अप डाउन मुझे बॉम्बे से इधर अप डाउन तो भारी पड़ रहा था, लेकिन उस दौरान मैं अभी जो पॉइंट बता रहा हूँ, वो पॉइंट के ऊपर थोड़ा सी गौर करें। जो गैप हुआ मुझे 2 महीना, मैं अपने गोट फार्म से थोड़ा सी दूर हो गया रहने के लिए, नहीं मैं बॉम्बे में रह रहा था, मेरा गोट फार्म मुमरा में चल रहा था, कभी कभी असकत आती थी, मैं आ भी नहीं पाता था। तो आप लोग, यही गलती हर कोई कर रहा है, जो मैंने वो 2 महीने में मैंने गलती की। आज अल्लाह के फजलो करम से लॉकडाउन है, इतनी बुरी सिचुएशन है पूरे बॉम्बे की, महाराष्ट्र की, उसके बावजूद मैं मेरे गोट फार्म पर अल्लाह के फजलो करम से रेगुलर आ रहा हूँ। उसका रीज़न ये है कि मैंने बहुत ही मुमरा में शिफ्ट होने का प्रोग्राम किया, जबकि ये डिसीज़न बहुत बड़ा डिसीज़न था मेरे लाइफ का, क्योंकि मैं, मेरी पूरी फैमिली, मेरे बच्चे जवान हो चुके हैं अल्लाह के फजलो करम से, कॉलेज में है मेरा बेटा बड़ा, उसके बावजूद मैंने सबको लेके इधर शिफ्ट हुआ। तो ये सबसे बड़ा कारण होता है, आप जहाँ पर भी हैं आपका गोट फार्म बहुत करीब होना चाहिए। तो हमारे बॉम्बे और महाराष्ट्र में काफ़ी लोग ऐसे हैं, जो बॉम्बे में खास तरह का बोलता हूँ, कि काफ़ी लोग दूर दूर गोट फार्म रखे। और दूसरी एक और चीज़ होती है जो लेबर के अलावा भी होता है, कि ज़्यादातर लोग अपना जो गोट फार्म होता है वो फुल टाइम उनका काम नहीं है, बिजनेस नहीं है, ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है जो गोट फार्म फ्लॉप होता है। उनका ये सेकेंडरी बिजनेस होता है, जो मैं अल्लाह के फजल करम से इतने सालों से इस फील्ड में और गोट ट्रेडिंग में ये सब काम में मैं कंटिन्यू हूँ। उसका रीज़न ये है, मैंने जब मेरी एसटीडी बंद करी, यानी मैंने वो काम छोड़ा, उसके बाद मैं फुल टाइम सिर्फ और सिर्फ बकरे का ही काम करता हूँ, उसके अलावा मेरा और कोई बिजनेस नहीं है।
तो ये रीज़न है आपके गोट फार्म को आप तक का, और आप उसे संभालने का, आप उसे फुल टाइम दें, ना कि पार्ट टाइम। एज अ पार्ट टाइम अगर आप उसको काम करते हैं तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है आपके गोट फार्म का। तो उससे प्रॉब्लम ये होता है कि आप अपने मेन बिजनेस को टाइम देते हैं, इसे पार्ट टाइम देते हैं, और ये आप फिर आ जाते हैं हमारे मेन मुद्दे के ऊपर कि जो लेबर होता है, हम उसके ऊपर 90% 100% श्योर हो जाते हैं कि हमारा लेबर उसे पूरा संभाल लेगा। और लेबर लोग का तो मैं आपको अल्लाह ही जानता है कि हर लेबर 2 महीना 3 महीने से ज़्यादा फार्म पे रुकते नहीं है, फिर कोई ना कोई नया आता है, उसे नए सिरे से सिखाना पड़ता है और पूरी तरह वो ट्रेन भी नहीं हो पाते। तो लेबर का सबसे बड़ा इशू है गोट फार्म पे। आपको आपके गोट फार्म पे टाइम देना है, आपको आना है। मैं मॉर्निंग में भी आता हूँ 2-2.5 घंटा 3 घंटा, अभी रमज़ान में और थोड़ा गर्मी की वजह से मैं सुबह आजकल आ नहीं पा रहा हूँ। तो मेरा रूटीन है, मैं सुबह 10 बजे फार्म पे आ जाता था, 12, 12:30, 1 बजे तक फार्म पे रहता हूँ, फिर घर जाता हूँ, खाना खा के फ्रेश होके आराम से 4:30-5 बजे फिर फार्म पे आता हूँ। मैं 2 टाइम रहता हूँ यहाँ पे, बाकायदा बकरों को नहलाने के टाइम पे भी खड़े रहना पड़ता है, दाने के टाइम पे खड़े रहना पड़ता है। इसका रीज़न है कि मैं जो टाइम दे रहा हूँ तो उस टाइम से मुझे भी मिल रहा है। इसमें छोटी छोटी चीज़ें हो रही है, जैसे बकरे आप देखेंगे कि बकरा कभी इनकेस बीमार होता है, यहाँ तक कि कभी सिंग वाले बकरे हैं जाली में सिंग फंसा लेते हैं। आदमी जब एक बार रूम में जाता है वो उसका काम ख़त्म होने के बाद वो रूम से निकलता नहीं है, ये अक्सर होता है। लेबर का ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, और अगर अच्छा लेबर किसी को मिल गया तो आप ऊपर वाले का एहसान माने। तो वो चीज़ हमें आवाज़ देनी पड़ती है, अक्सर उसका सिंग फंस गई, वो इधर फंस गया, वो बकरा क्यों चिल्ला रहा है। तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ें ये बहुत मायने रखती है गोट फार्म चलाने के लिए। लेबर आपका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, ज़्यादातर लेबर परेशान करते हैं और लेबर के भरोसे कोई फार्म, काफ़ी लोग रहते हैं गल्फ में या कहीं पे और वो अपनी सिटी के अंदर एक फार्म बना देते हैं लेबर के भरोसे, उसे चारा भरा देते हैं, उसे दाना भरा देते हैं, और उनको ऐसा लगता है कि उनका गोट फार्म रनिंग हो गया और वो चलना स्टार्ट हो गया। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है भाई, ऐसा गोट फार्म नहीं चलता है। आप अगर गोट फार्म का काम अगर आपको करना है तो आपको इसे आपका प्राइमरी बिजनेस बनाना है, ना कि सेकेंडरी बिजनेस। अगर आप इसे सेकेंडरी बिजनेस बना के कर रहे हैं काम, तो आप इसमें एंड ऑफ द डे आपको ये नुकसान ही होगा। बहुत कम लोग, बहुत कम रेशो ऐसा होता है, 100 में से 10% ऐसे लोग हैं जिनका काम चल जाता है, लेकिन 90% काम बंद हो जाता है। और इसमें आप देखेंगे पूरे साल भर में हमारे इधर 100 फार्म अगर खुलते होंगे तो 99 बंद हो जाते हैं। काफ़ी लोग कुर्बानी के टाइम बकरे लाते हैं, नुकसान होता है, बंद होता है, ऐसे बहुत सी चीज़ें चलती है। तो ये एक बहुत बड़ा रीज़न था गोट फार्म बंद होने का, कि आप अपने लेबर के भरोसे रहते हैं, आप सिर्फ इन्वेस्ट कर देते हैं और आप अपने घर पे या गल्फ में या आप अपनी सिटी पे। तो आप अगर, मेरी एक राय है, रिक्वेस्ट है आप लोगों के लिए, एक अच्छी, मैं आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने जो हिजरत करी, यानी मैंने बॉम्बे से मुमरा आया, तो मैं आपके लिए एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल हूँ कि मैं आज मेरे फार्म पे खड़ा हूँ इस लॉकडाउन में। तो यही चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि आपका घर, कोशिश ये करें कि आपका घर और आपका फार्म करीब रहे। उसके अलावा आप लेबर के भरोसे पे कोई फार्म नहीं चलेगा, आपको उसे अपना टाइम देना पड़ेगा, आपको भी हाफ लेबर में काम करना है, यानी आप अपने आप को भी हाफ लेबर समझ के काम करना पड़ेगा आपको। तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें होती है जिसकी वजह से आपका फार्म चलता है। अभी कल हमारे फार्म पे बकरी ने बच्चा दिया, आपने जो वीडियो देखे माशाल्लाह काफ़ी अच्छा वीडियो है, बहुत लोगों ने उसे पसंद भी किए। तो मैं टाइम पे था, आदमी दाना कर रहा था मेरे फार्म पे, मुझे महसूस हुआ कि बकरियां, जो गाबन बकरियां हैं, उसे एक राउंड मार लूं। और मेरी अक्सर आदत है मैं फार्म पे इधर उधर घूमते रहता हूं, तो मैंने देखा बकरियां आवाज़ कर रही थी, तो मुझे डाउट हुआ वो बच्चा देने वाली, उसे बाहर निकाला और आपने देखा अल्लाह के फजल करम से बच्चा हो गया। इनकेस आप अभी इतना होता है, अगर आप नहीं हैं, आप अपने घर पे है, आप क्या लेबर है, उसको कोई नॉलेज नहीं है, आप उसे क्या करेगा, क्योंकि उसके अंदर छोटी छोटी कई चीज़ें होती है आपको समझनी पड़ती है। नाफ काटना है, खुर तोड़ना है, मुंह से सब गंदगी निकालना है, कान में फूंक मारना है, उसके बाद माँ का दूध पिलाना है, ये सब नए लेबर और लेबर, बहुत से लेबरों को ये नहीं मालूम होता है। तो इसकी वजह से वो बच्चा मरता है, और जो बच्चा मरेगा वो आपका सबसे बड़ा नुकसान है, क्योंकि मेन इनकम आपकी बच्चों से ही होती है जो गोट फार्मिंग करते हैं। और जो साल भर पालते हैं, जो कुर्बानी के लिए पालते हैं, उनमें भी ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। काफ़ी लेबर दाना बेच देते हैं, हरी पत्ती सेल कर देते हैं, या फिर कोई चीज़, काफ़ी चीज़ें हुई है मेरे पास
मेरे फार्म पे मैं बहुत बता नहीं पाऊंगा, वैसे कई चीज़ें ऐसी है जो बताने के लायक नहीं है। तो बहरहाल आप कोशिश यही करें कि अगर आप गोट फार्म स्टार्ट कर रहे हैं तो पहले आप अपने आप को पूरा ट्रेन कर ले, अपना माइंड सेट कर ले कि आपको करना है तो सिर्फ यही काम करना है। इंशाल्लाह अगर आप फुल टाइम देंगे तो कम से कम 1.5 से 2 साल जाएगा आपको इस लाइन में सेट होने में, लेकिन इंशाल्लाह एक बार अगर आपकी ट्रेन पटरी पे आ गई तो अल्लाह ने चाहा तो ये बहुत लंबा और बहुत दूर तक का जाएगी। लेकिन अगर आप 2 पटरी पे रहे, 1 पटरी पे अलग पैर और 1 पटरी में अलग पैर, तो आप उसमें आपका नुकसान है, उसमें फ़ायदा नहीं होएगा। तो ये एक मेरा एक्सपीरियंस था, एक छोटी सी मेरा लाइफ के बारे में थी कि मैं आपको बताऊं कि आपको 2 कश्ती में नहीं रहना है, 1 ही कश्ती में रहना है। तो ये चीज़ें बहुत काम की है, अगर आप लोग समझेंगे तो आपका ही फ़ायदा है, और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि काफ़ी लोग मेरी बातों को समझते हैं और उस पर अमल करने की भी कोशिश करते हैं। तो बहरहाल आज की वीडियो आपको कैसी लगी आप मुझे बताएं, आपके फीडबैक दें, और इंशाल्लाह कुछ नया टॉपिक भी आप मुझे आप तक का पहुँचाते रहे तो इंशाल्लाह वो टॉपिक के ऊपर हम कुछ ना कुछ वीडियो बनाते रहेंगे। तो वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि हमारा चैनल अल्लाह के फजल करम से काफ़ी ग्रोथ अच्छी कर रहा है। उसके अलावा काफ़ी नॉलेज आपको मिलती है, कई बकरों के मुतालिक आपको अच्छी अच्छी जानकारी मिलती है, और इंशाल्लाह लॉकडाउन के बाद हम सीरीज़ करेंगे दवाओं के ऊपर। काफ़ी लोगों का सवाल था कि निमोनिया में आप जब बकरे को निमोनिया होता है तो आपको क्या करना है, मैं आपको वीडियो के जरिए अभी फिल वक्त नहीं बता सकता, लेकिन इंशाल्लाह लॉकडाउन के बाद उसके ऊपर भी हम एक अच्छी सीरीज़ करेंगे। तो वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।